मेरा आपसे दो प्रश्न है। देश में बहुत से महिला आयोग, ये सेमी जुडिशियल तो नहीं बोलेंगे लेकिन इनको आयोग के रूप में आदमी सोचता है कि भाई ये कुछ करेंगी। महिला आयोग इस देश में एक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है। आपको नहीं लगता है कि अगर ये बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं मणिपुर के उस पे, तो इनकी रेलेवेंस क्या है, इसको क्यों रखा गया है? हितेश जी, मैं इसका लीगल पक्ष जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। एन बीरेन सिंह के यहां जो हो रहा है, मैं मॉरली और एथिकली की बात नहीं कर रहा हूं, क्या विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा ऐसी सरकार क्या कंटिन्यू कर सकती है, इसकी कोई लीगल रेमेडी है कि नहीं है? बेशक आनंद जी, आप जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत अगर हम हमारे परिवार के बीच में, हमारे घर में इस तरह का कोई हादसा हो रहा है, और खास करके महिलाओं के साथ, ये बहुत ही पीड़ादायक है। एक तो जिस तरह से दलितों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एससी एसटी के लिए भी एक अलग एक्ट है, एक अलग लॉ है, और ये देयर इज अ प्योर फेलियर सिस्टम जो है, ये सिस्टम का फेलियर है। इसके लिए चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट कहिए, चाहे सेंट्रल कहिए, लेकिन अगर देश के किसी भी कोने में इस तरह का कुछ हो रहा है और आप इतने महीने हो गए और इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर आज सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलना पड़ रहा है और तब जाकर आपको ये लग रहा है कि अब शायद कुछ मैजिक हो जाएगा, ये अगर मैं तो ये कहता हूँ सर, ऑन द लीगल फ्रंट अल्टीमेटली कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्शन दे सकती है, ग्राउंड पर जो लॉ एंड ऑर्डर संभालना है वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की है। अगर पुलिस नहीं कर पाती, पुलिस नाकाम है, तो पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल के बाहर है, लेट द आर्मी टेक ओवर द चार्ज। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है एक चीज ये है इसमें कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस है, और इसी वजह से इसको जो भी ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिक्स के करना चाहते हैं इस वायलेंस को लेकर, जितने भी आयोग हैं, जितने भी अगर हम बात कर ले, ह्यूमन राइट्स कमीशन ले लो, अगर वुमन के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटीज है, कमीशन है, महिला आयोग की अगर हम बात करते हैं, आज के दौर में ये जितनी भी जगह है, सब में अपॉइंटमेंट्स जो होती है, दीज आर ऑल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। बिकॉज ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, तो जब अगर सरकार आपसे कुछ अपेक्षा रखती है और जब इन कमीशन को ये पता है कि कहीं ना कहीं हमें जब तक सरकार से कोई सूचना नहीं आती है या सरकार से कोई गाइडलाइंस नहीं आती है, तब तक हम इस पे चुप्पी साधे बैठेंगे। ये इस तरह से, मतलब हमारे देश में महिलाओं का इतना ज्यादा अपमान, बेशक जिस तरह का वीडियो सामने आया है, जिसकी वजह से आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है इस बात का, ये मेरे हिसाब से शायद बहुत पहले होना चाहिए था। जब लोग मर रहे थे, लोगों की प्रॉपर्टीज जलाई जा रही थी, जो आगजनी के ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन इतने टाइम से ये हादसे चल रहे हैं, नेता आकर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। दुख की बात यह है, हमारे प्रधानमंत्री, उनका सम्मान हो रहा है बाहर के देशों में, लेकिन एक बार जिस तरह से इलेक्शन आता है, उस वक्त जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, पूरी जनमेदनी को इकट्ठा करके भाषणबाजी होती है, क्या इस तकलीफ के टाइम पे अगर इसी तरह से दोनों ही, मैं तो कहता हूँ कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों साथ में मिलकर सड़क पर आते और इसको कंट्रोल करने की कोई फॉर्मूला तो वर्कआउट करते, बट मैं कोई भी ये इस तरह का कोई एफर्ट्स किया गया हो ये कहीं दिखता नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, भले मैं तो ये कह रहा हूँ सर, वो आज जागी है, उन्होंने कुछ करेंगे ऐसा बोला है और एक अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट को, पर अल्टीमेटली वहां से सिर्फ ऑर्डर आएगा। अब वो ऑर्डर के हिसाब से किसके ऊपर कितने एक्शन लिए जाएंगे वो बात की बात है। हो सकता है कि इतना बोलने के बावजूद भी अगर चीजें कंट्रोल में नहीं आती है तो कल को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, या किसी अफसर का सस्पेंशन हो जाएगा या टर्मिनेशन हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट जो है
गवर्नमेंट एक रिपोर्ट फाइल कर देगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, एक हलफनामा रख देगी कि हमने इतने इतने अधिकारियों के सामने एक्शन लिया है बिकॉज ऑफ द फेलियर। बस ये इतना ही हमारे केस में हो सकता है, मैं नहीं समझता इससे ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट और एक्टिवली कुछ करती है। जी मैं हितेश जी अब लास्ट राउंड में एक छोटी छोटी टिप्पणी आप लोगों से ले लें। एक तो थोड़ा इस पे बताइए कि ये कानून के रूप से पुलिस इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो पूरी एग्जीक्यूटिव का एक पुर्जा है, तो पूरा पुर्जा मतलब पूरा सिस्टम ही कटघरे में खड़ा है एक। और दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है कि तीस्ता जी की रेगुलर बेल और बिजभूषण जी की रेगुलर बेल में एक कनेक्शन है। मैं दोनों पे आपका एक विचार सुनना चाहूंगा। सर मैं ये जब पूरा मामला देखता हूं, आपने ये बात बहुत सही कही कि एग्जीक्यूशन का जो पावर पुलिस के पास है ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एंगल से भी अगर हम सोचे तो एक कांस्टेबल के पास जितना पावर है ना, उतना पावर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास भी नहीं है। वो ग्राउंड पे काम करना जानता है, वो एग्जीक्यूशन जानते हैं, लेकिन अगर वो करना चाहे तो, क्योंकि नीति होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर के ऑफिसर्स ये कहते हैं कि आपको सिर्फ इतना ही करना है, अभी हमारे ही देश में हमने पुलिस के सामने मर्डर होते हुए देखा है कि लोग आते हैं पिस्तौल चलाते हैं और मार डालते हैं और पुलिस खड़ी की खड़ी है वहां पे। ये कहीं ना कहीं अगर एक इम्प्लाइड एक कहीं ना कहीं एक साइलेंट कंसेंट होता है जब सरकार की तरफ से, तो ये पुलिस इस तरह की कार्यवाही में चुप्पी साध लेती है। सर मैं अभी ये जो रायट्स चल रहे हैं, रायट्स अगर स्टेट रायट्स हैं, वो भी कम्युनली अगर मोटिवेटेड रायट्स हैं किसी भी तरह के, तो रायट्स के सर जो इफेक्ट होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं, सालों साल तक के। जिस तरह से अगर हम अभी तीस्ता सेतलवाड़ की बात करें, तो तीस्ता सेतलवाड़ के ऊपर एक्शन लिए जाने वाला जो भी कुछ केस है वो क्यों है, वो है 2002 गुजरात रायट्स। सर आज भी इस देश में गुजरात रायट्स के नाम पर पॉलिटिक्स चल रही है। गुजरात रायट्स के टाइम पे भी सर जो हुआ था, मैं आपको उस टाइम पे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, और आज जिस तरह से पुलिस मणिपुर में काम कर रही है ना, उसी तरह का कुछ सिचुएशन गुजरात में भी जब गुजरात रायट्स हुए, तो ये प्रशासन की तरफ से एक इम्प्लाइड मैसेज ये दिया गया था कि लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। 3 दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, वो लोग अपना गुस्सा निकालने दे रही थी, जिसकी वजह से इतने सारे केसेस हुए। उस केस में भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज तब भी हुई थी कि तब वाजपेयी जी को आना हुआ, वाजपेयी जी आते हैं और मुख्यमंत्री मोदी जी को एक एडवाइस देकर गए थे कि वो अपना राजधर्म निभाए। ये एडवाइस देने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, सिचुएशन चला था काफी महीनों तक, लेकिन बाद में जब सिचुएशन कंट्रोल हुआ, ये पुलिस का जो रोल है ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग आता है इसमें। सर मामले दर्ज हुए, कुछ केसेस रजिस्टर हुए, किसी की अरेस्ट नहीं हुई, फाइल्स बंद हो गई, क्योंकि मॉब के सामने FIR 500-1000 का मॉब था और उसके सामने FIR और अरेस्ट। सर मैंने खुद कुछ मामले देखे हैं, कुछ FIR देखी है, 500-1000 का के सामने FIR होती है और अरेस्ट 5 लोगों को किया जाता है। और अल्टीमेटली सर उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट में जब 2002 में ये रायट्स हुए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में डायरेक्शन देना पड़ा था, कितने केसेस जो शट डाउन कर दिए गए थे, क्लोज कर दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई थी, और उस टाइम पे भी यही तीस्ता सेतलवाड़ और यही लोग थे जो ये लड़ रहे थे इसके लिए कि भाई केसेस नहीं रजिस्टर हो रहे। और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अरेस्ट करो, आप इस तरह से फाइल्स कैसे क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगेन सर उसके बाद हुआ ये कि चार्जशीट तो हुई, लेकिन 500 अक्यूज के सामने ना होकर 5 लोगों के सामने हुई, और वो ट्रायल मतलब फिर इन्वेस्टिगेशन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तो दे दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बराबर होना चाहिए या नहीं जो ना, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं। अल्टीमेटली सर होता ये है कि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन ही उस तरह से करेगी कि जो अक्यूज है वो कोर्ट से रिहा हो जाएंगे, वो निर्दोष छूट जाएंगे।
मणिपुर की अगर हम बात करें, आज ये जो भी कुछ चल रहा है सर, मणिपुर के ये घाव ये भरने वाले नहीं है। गुजरात के घाव आज भी पूरा देश देख रहा है, गुजरात के घाव अभी तक नहीं भरे हैं, मणिपुर के घाव भी आने वाले 20-25 साल तक ये घाव चलेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और सर ये मणिपुर को लेकर उस टाइम पे जब गुजरात की बात थी तो मीडिया सर वो रिपोर्टिंग कर रही थी, क्योंकि उस वक्त की मीडिया निष्पक्ष थी। उस टाइम पे जो मीडिया थी वो मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आज सर मणिपुर का हत्या होता है और इतने लीडिंग नेशनल न्यूज चैनल्स वो उसका रिपोर्टिंग तक नहीं कर रहे, दिखाते भी नहीं है सर। शायद आप और हम जैसे लोग, हमारी एक नागरिक के तौर पर एक जिम्मेदारी समझकर हमारा एक अंदर का गुस्सा शायद कहे या हमारी जिम्मेदारी कहे, हम इस तरह से इकट्ठे होकर बात कर लेते हैं। हमारा इतना ही योगदान है, अगर किसी को कुछ करना है, कोई कुछ कर सकता है तो वो सरकार कर सकती है, और अगर सरकार चाहे तो रिक्वेस्ट करे अपोजिशन को। कितने नेता ये इलेक्शन लड़ने के लिए आप इकट्ठे होते हो, अपनी अपनी यूपीए की टीम बन गई, एनडीए की टीम बन गई, इतने पार्टीज इकट्ठी हो गई सर। ये सारे पार्टीज जो ग्रुप बनाते हैं, अगर ये सारे के सारे क्यों ऐसा नहीं कहते कि हम मणिपुर की हिंसा को कंट्रोल करने के लिए एकजुट होते हैं, हम मणिपुर के लोगों के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन सर ये जो हिस्सा है हमारे देश का, जो मणिपुर है, सिक्किम है, ये वाला जो पट्टा है, ये पूरा बेल्ट जो है ना, ये बेल्ट को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर चल रहे हैं। और शायद हमारी मीडिया भी जानबूझकर ये सारी रिपोर्टिंग जो होनी चाहिए ठीक तरीके से, ताकि रिपोर्टिंग होगी तो ही सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं होगी। रिपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और इसी वजह से ये सारी चीजें जो है वो और बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं होती। न्यूज तक न्यूज ही सामने नहीं आएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तब दबाव बनने ही नहीं वाला है सरकार के ऊपर। जी